राजू मेरे भाई, कैसे है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादा, तुम कैसे हो? मेरी चोट तेरी सुना। वैसे आज का दिन तेरा है? मतलब मेरे को नहीं मालूम तूने किस मस्ती में आके वो सब किया है। जो भी किया अच्छा किया है। क्या है मन में आया ना तो कर डालने का, ज्यादा सोचने का नहीं, सही गलत बाद में देखने का। ये मनोज दादा किस बारे में बात कर रहा है? ये सब क्या है दक्कू भाई? अब पिछले दो हफ्तों से बोल रहा हूँ कि हमारे ऊपर वाले फ्लैट से लीकेज हो रहा है, हमारे बाथरूम की छत पर सीलन आ गई है, आप कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हो। अब जब हमारे बाथरूम की छत टपकने लगेगी तब आप कुछ करोगे क्या? तब भी कुछ नहीं कर पाऊंगा राजेश भाई। हा? क्योंकि आप तो केवल दो हफ्तों से बोल रहे हैं, पर आपके ऊपर वाले फ्लैट का ओनर वो पिछले दो महीनों से छुट्टियों पे गया है, जब तक वो नहीं आता मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ओह माय गॉड, देवी का फोन। प्रणाम देवी, बोलिए। क्या इमरजेंसी? ओह माय गॉड, क्या इमरजेंसी होगी वन्ना भाभी? ओह माय गॉड, आपके ऊपर वाले फ्लैट से लीकेज हो रहा है। वन्ना भाभी आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे आप बिल्कुल टेंशन मत दीजिए वन्ना भाभी, मैं आज ही लीकेज बंद करवा दूंगा। अरे वो दो महीने से बाहर गया, वो तो क्या हुआ उसके फ्लैट की स्पेयर की तो सोसाइटी ऑफिस में है। मैं आज ही जाता हूँ और लीकेज का काम करवाता हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ओके जी, अब बस दास पे कृपा बनी रहे। थैंक यू थैंक यू। ये सब क्या है? हा? क्या ये सब? देवी के चरणों में दास की छोटी सी भेंट। अरे शट अप। तो ठीक है मेरा काम तो हो रहा है, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ना वो गलत है। क्या गलत कर रहा हूँ राजेश भाई? यही कि अगर आपके पास उस फ्लैट की चाबी है तो पिछले दो हफ्तों से आप ये दो महीने का राग क्यों दे रहे मुझे? राजेश भाई मेरा रूल है, मैं किसी भी ओनर की एब्सेंस में तब तक उसके फ्लैट में नहीं घुसता जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। आपने एक बार भी इमरजेंसी शब्द का उपयोग किया नहीं ना, जबकि सभ्य समझदार सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी ने पहला ही शब्द क्या उपयोग किया? इमरजेंसी। वो रूल फॉलो करती है आप नहीं, इसलिए मैं उनका काम करूंगा आपका नहीं, समझे आप? क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। फाड़ में गए आपके रूल्स, आपके रूल्स आप ही की तरह फालतू है, एक नंबर के फालतू है। ये ना अब रूल्स की आड़ में ना आप अपनी कामचोरी छुपाते हो, आप एक नंबर के कामचोर हो, कामचोर हो एक नंबर के। मैंने लाइफ में पहली बार दक्कू भाई को ऐसा कुछ बोल दिया जो शायद मेरे मन के किसी कोने में दबा हुआ था। मैंने दक्कू भाई के सामने अंदाज बोल दिया और ये बात दादा को पता चल गई, इसीलिए दादा इतना खुश हो रहा है। दक्कू भाई को कामचोर नहीं बोलना चाहिए था, बेचारे तो पूरा दिन सोसाइटी के कामों में ही लगे रहते। हेलो, अरे क्या सोच रहा है, मैं अकेला बात किए जा रहा हूँ? नहीं दादा, मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें कैसे पता लग गया? पता चलेगा नहीं क्या, ऐसी बातें छुपती थोड़ी है। लेकिन तूने जो किया अच्छा किया, परेशान मत हो ज्यादा सोच के, समझा? नहीं दादा, मैंने ठीक नहीं किया, मतलब वो क्या है, वो कंट्रोल नहीं रहा मेरा उस वक्त, उसने जोश जोश में ये हो गया। सामने वाले को बुरा लगा होगा ना? अरे बुरा क्यों लगेगा, सामने वाला बच्चा थोड़ी ना है, समझदार है ना, मैच्योर है, जैसे तू है मैं हूं बाकी सब भी है। और सुन, तूने ये जो काम किया है ना अभी, ये खाली एक बार करके रुकने का नहीं, करते रहने का, ताकि अखा दुनिया को पता चले कि तू भी मर्द है मर्द। हाँ चल रखता हूं। मैंने दक्कू भाई की क्लास क्या ले ली, इसमें मर्द कैसे बन गया मैं? कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही है दादा को? क्या किया राजेश भाई ने, सब गड़बड़ कर दिया, सब गड़बड़, भर भर के गाली पड़ेगी देखना, भर भर के। कोई गाली वाली नहीं पड़ेगी रे, राजू ने जो किया ठीक किया। क्या? और क्या बात हुई मेरी उससे फोन पे, पहले उसको टेंशन आया था कि उसने जो किया वो सही किया कि गलत किया, पर मैंने उसको बोल दिया एक बार जो कर दिया ना ज्यादा सोचने का नहीं, इनफैक्ट जो किया वो बार बार करने का, लोगों को पता चले उसमें भी डेरिंग है, डेरिंग, समझा?
मेरा भाई भी मेरी तरह मर्द बन गया है, मर्द। नहीं, मैं राजेश भाई को फोन करता हूँ। अरे रुक रुक, क्यों कर रहा है उसको डिस्टर्ब? अरे नहीं यार, मनोज यार, राजेश भाई को फोन करके पूछता हूँ ना क्या कि उनको ऐसा क्या सूझा कि उन्होंने ये जो नॉटी टाइप के मैसेज है वो फैमिली ग्रुप पे क्यों डाले। पूछता हूँ, रुको। जी जी जी, सुन रहा सुन रहा। हाँ, ओके ओके ओके। क्या हुआ, काट दिया उसने फोन? और क्या करेगा क्या? मेरे भाई, जब वो टेंशन नहीं ले रहा है, तू क्यों टेंशन ले रहा है? ये मनोज भाई, टेंशन वाली बात है, इसलिए टेंशन ले रहा हूँ। क्या? अभी आप सोचो, ग्रुप में औरतों के साथ में तो बुजुर्ग लोग भी हैं, कहीं ये मैसेज उन्होंने पढ़ लिया तो क्या होगा? अरे तो बड़े बुजुर्ग और औरतें ही है ना, बच्चे तो नहीं है, हा? और वो लोग भी ये मैसेज पढ़ के थोड़ा एंजॉय करेंगे, हंस लेंगे। लेकिन ग्रुप में वो घेल सप्पी, बेवकूफ और ना समझ झालर भी तो है। कौन? दक्कू? और नहीं तो कौन? आपकी केयर मैम से बात हो गई? उन्होंने अश्योर किया कि आपके सारे पार्सल्स सही सलामत आप तक पहुंच जाएंगे। चलो, वेरी गुड। तो मतलब आप मुकदमा नहीं कर रहे ना? पर थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द ट्रबल। वो जब ये मैसेज पड़ेगा ना, तभी पर कटे परिंदे की तरह फड़फड़ाएगा, देखना, हंगामा मचाएगा, हंगामा। हंगामा नहीं, तूफान मचा दूंगा। उस राजेश वागले ने मेरे बनाए हुए शुद्ध सात्विक पारिवारिक ग्रुप में अश्लीलता का तड़का लगाने की हिम्मत की है, और तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई उस राजेश वागले को सही साबित करने की? अरे मनोज भाई, सोचिए सोचिए, अगर वो मैसेज काका ने या मासी ने पढ़ लिया तो जिस राजेश वागले को वो आज तक शरीफ और सभ्य बेटा मानते आए हैं, वो एक नंबर का असामाजिक, अशोभनीय, असेंसिटिव, इनसेंसिटिव बेटा निकला। देखना मैं उस अश्लील राजेश वागले के खिलाफ क्या करता हूं। ये तेरा झलर क्या करेगा? ये कुछ नहीं करेगा, ये खाली भोंकता है, काटता नहीं। काटा तो? अरे इसको छोड़ो ना यार। लेकिन वो झलर बरबर बोल के गया। अब सोचो कि राजेश भाई का फॉरवर्ड किया हुआ मैसेज औरतों के साथ में काका और काकी ने भी पढ़ लिया तो क्या होगा? अथर्व, डैडी को फोन करो। क्या हुआ? फोन करो डैडी को। ठीक है, जल्दी करो, इम्पोर्टेंट काम है मुझे। राधिका, राधिका जल्दी आओ इधर। ठीक नहीं किया तुमने राज, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। हेलो डैडी, लो बात कर। ये सब क्या है, ये सब क्या है राज? क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों किया तुमने ऐसा? अरे राधिका, राधिका क्या है? मेरा चश्मा कहाँ रखा है? तुम्हें साफ करने के लिए दिया था ना, अब बताओ मैं ये मैसेज कैसे पढ़ूंगा? मुझे नहीं पता, मैं कहीं रख के भूल गई हूँ। आप ढूंढिए और पढ़िए मैसेजेस, मुझे बंदूक के लड्डू बनाने हैं। ठीक है, जरा मेरा मैसेज पढ़ के जाओ ना प्लीज। क्या अभी ना? मैंने तुम्हें सुबह फोन किया था, तब तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें फोन किया, तब भी तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। इसीलिए मैंने अथर्व के फोन से तुम्हें फोन किया और तुमने तुरंत फोन उठा लिया। ये सब क्या है, प्रूफ क्या करना चाहते हो? अगर मेरे फोन करने से कोई दिक्कत है तो साफ साफ बोल दो कि बाकी पतियों की तरह तुम भी शादी के कुछ साल बाद अपनी पत्नी को इग्नोर करना चाहते हो। अगर ऐसा है तो मैं भी कसम खाती हूँ कि आज के बाद तुम्हें फोन किया तो मेरा नाम बदल देना। अरे बंधु, एक मिनट होल्ड ऑन। मैंने तुम्हारे कॉल्स नहीं उठाए क्योंकि सुबह से हमारे एक क्लाइंट के इंटरनेशनल पार्सल्स का एक सीरियस इशू चल रहा था। मैंने सोचा पहले इस झंझट से निपट लूं,
फिर मैं तुम्हें आराम से फोन करूंगा। अभी एक घंटा हुआ, मैं फ्री हुआ, मैं तुम्हें फोन करने वाला था, उतने में अथर्व का फोन आया तो मैंने उठा लिया। अब इसमें शादी के इतने सालों बाद पति का इंटरेस्ट चला जाता है और वो इग्नोर करने लगता है पत्नी को, ये सब कहां से आ गया? सखी के पॉडकास्ट की वजह से। क्या? तुम ऑफिस से घर आओगे तब बताऊंगी सब कुछ। अच्छा हाँ, बाय द वे, वो जो नया बैंक है उसमें मेरा अकाउंट क्यों खोला? मना किया था ना मैंने, बिना बात के 500 रुपए काट लिए उन्होंने। डोंट वरी, वो मैं बात करता हूँ बैंक से, वो 500 रुपए रिफंड कर देंगे। रियली? हाँ हाँ, हो जाएगा, रिलैक्स रिलैक्स। थैंक्स। ओके बाय। क्या हो क्या जाता है इनको? अरे बाप रे, दोपहर होने को आई, मुझे अब तक बंदूक यहाँ पहुँचना था, अब भी ना। पर मेरा मैसेज कौन पढ़ेगा? तो मैं नहीं जानती, आप ना चश्मा ढूंढिए और मैसेज पढ़िए, मैं जा रही हूँ बंदूक। अरे लो, चश्मा तो ढूंढना ही पड़ेगा, पता नहीं इसमें कोई इम्पोर्टेंट मैसेज हो तो। मम्मी मम्मी मम्मी, मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है, अपना फोन देना, मेरे को एक अर्जेंट कॉल करना है। वहां पढ़ाए कर ले। एक आदमी शादी के बाद क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। बाप रे, ये मैसेजेस तो राजेश अंकल ने भेजे हैं। वाह अंकल, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। कल सखी बोल रही थी कि उसके डैडी दुनिया के सबसे बेस्ट डैडी हैं। अभी उसको दिखाता हूँ उसके बेस्ट डैडी कैसी हरकतें कर रहे हैं। अभी तक यही है, कॉल करना था ना? नहीं, वो नंबर नहीं लग रहा था, दोबारा ट्राई कर रहा हूँ। अभी अर्जेंट फोन करने से भी ज्यादा अर्जेंट काम करना है मम्मी। राजेश भाई, आपको शर्म नहीं आई? बिग फैमिली जैसे साफ सुथरे ग्रुप में ऐसे गंदे मैसेजेस भेजते हुए आपसे ये उम्मीद नहीं थी जी। ये भेज दिया राजेश अंकल को मम्मी की तरफ से दनदनाता हुआ मैसेज, और अभी बिग फैमिली ग्रुप में आए हुए सारे नोटी जोक्स अपने फोन में भेज देता हूँ। जब अपना फोन रिचार्ज करवाऊंगा तब सारे जोक्स खोल के आराम से पढ़ लूंगा। मम्मी मम्मी, वो फोन नहीं लग रहा है, आप एक काम करो, मुझे 100 रुपए दे दो, मैं फोन का रिचार्ज करवा लेता हूँ अपने, और फिर मैं बाद में फोन कर लूंगा। है ना पर्स, वहां ले लेना, मुझे सोने देना मंगेश। हाँ ठीक है। सौ मांग के 150 लेना मेरी मजबूरी है, क्योंकि ये ऊपर के 50 रुपए टैक्स के हैं, मंगिया टैक्स के हैं। कुछ दिन से लाइफ बड़ी बोरिंग जा रही थी, अभी थोड़ा थोड़ा मजा आएगा। मैं खाली राजेश अंकल को एक मैसेज भेज के रुकने वाला नहीं हूँ, मैं तो अभी इस राई का पहाड़ बनाऊंगा, पहाड़। विद्या का मैसेज? राजेश भाई, आपको शर्म नहीं आई बिग फैमिली जैसे साफ सुथरे ग्रुप में ऐसे गंदे मैसेजेस भेजते हुए? आपसे ये उम्मीद नहीं थी जी। ये विद्या क्या बोल रही है? मैंने उस ग्रुप में मैसेजेस कब भेजे, और वो भी गंदे मैसेजेस? हे भगवान, ये जोक्स तो मैंने हर्षा भाई को भेजे थे, इतना गलती से इस ग्रुप में भी फॉरवर्ड हो गए। ये तूने क्या किया राजेश वागले, क्या किया? क्या किया? क्या किया? क्या किया? क्या किया राजेश वागले? क्या हुआ राजेश सर? क्या किया? क्या किया सर? क्या हुआ सर? क्या किया? क्या हुआ सर?
एक आदमी ने अपनी शादी के दिन एक मिनट क्या हुआ हेलो छी छी राजेश सर छी सर छी सर अपने प्राइवेट में पढ़ने वाले जोक्स पब्लिक कर दिए नेट अरे वो सब छोड़ो ये सोचो कि पब्लिक इनका क्या हाल करेगी खासकर लेडीज वाली पब्लिक राजेश भैया से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी उन्होंने मुझे बहुत डिसअपीयर किया है ज्योति आंटी डिसअपॉइंट हाँ वही सेम टू सेम राजेश भाई तो बड़े वो निकले हम तो समझते थे उन्हें वो लेकिन वो नहीं वो निकले लेकिन वो नहीं वो निकले लेकिन वो नहीं वो निकले थैंक यू मैं जानती हूँ कि डैडी भी एक इंसान है और इंसान गलत हो सकता है लेकिन इतना गलत हो सकता है ये नहीं सोचा था मैं कसम खाती हूँ कि आज से मैं डैडी से कभी बात नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी बंधु तू क्यों नहीं कुछ बोल रही है क्या हुआ बोलने का मौका गया माँ अब बोलूंगी नहीं सीधा करूंगी क्या करूंगी वो तो वक्त आने पे पता चल जाएगा माँ हेलो सलाम सत श्री अकाल नमस्कार कैसा है मुंबई आ गई मेरी अश्लील औलाद करम जले नाश पिटे क्यों की तूने ऐसी घटिया हरकत मेरी और तेरे पापा की परवरिश को बदनाम किया बेशरम कहीं का आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म दंपत आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म अरे एक मिनट नहीं नहीं ऐसा ऐसा मत कहिए मम्मी प्लीज ऐसा ऐसा मत कहिए बंधु समझाओ ना मम्मी को वो जितना अपने बेटे को बुरा समझ रही है मैं उतना बुरा नहीं हूँ आज भी मेरे रगों में मेरे माता पिता के संस्कारों का खून दौड़ता है उनकी परवरिश मेरे सर पर चढ़कर बोलती है समझाओ अपनी सास को कि तुम्हारा पति बदनाम हो सकता है लेकिन बद नहीं हो सकता बद मतलब बुरा बुरा अब इससे और बद क्या हो सकता है राजेश भाई अरे आप तो बद से भी बदतर निकले संस्कार छलनी करने वाले नश्तर निकले संस्कार छलनी करने वाले नश्तर निकले संस्कार छलनी करने वाले नश्तर निकले आया सखी मेरा बैग रेडी भाई अभी लाती हूँ मम्मा ये लो मम्मा क्या कर रही हो बंदूरानी खबरदार मुझे बंदूरानी कहा तो मुझे बंदूरानी कहने का हक तो तुम कब का खो चुके हो बंदूरानी ये घर छोड़कर जा रही है ना? हमेशा हमेशा के लिए नहीं। चल बंदूरानी इमेजिनेशन सच हो जाएगी अगर लेडीज लोगों ने ये मैसेज पढ़ लिया तो पढ़ लिया क्या हाँ अब तो 100% अब तक पढ़ लिया होगा समझे नहीं विद्या ने पढ़ा क्योंकि विद्या का मैसेज आया बाकी किसी लेडीज ने नहीं पढ़ा क्यों अगर पढ़ते तो मैसेज या कॉल आ ही जाता ना सर हाँ मुझे लगता है लेडीज लोगों ने नहीं पढ़ा होगा लेकिन जेंट्स लोगों ने पक्का पढ़ा होगा आई नो हाँ नहीं 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 पढ़ा ना नहीं 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 जेंट्स ने भी नहीं पढ़ा होगा क्योंकि पढ़ते तो किसी का तो कॉल आता ना है ना For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.